वैसे तो सुंदरबांस के जंगल में बहुत सी शादियां होती है, लेकिन सभी पंछियों को इंतजार होता है तोते की शादियों का। तोते पंछियों की शादियां इतनी शानदार होती है कि दूसरे पंछी दो दो हफ्ते पहले से ही तैयारियां करने लगते हैं उनकी शादी की। ठीक है, तो अगले हफ्ते ही इन दोनों की शादी करवाते हैं। कालू मामा, शादी की खबर सबको देने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। चिंता मत करो आप, शाम होने से पहले ये बात सारे जंगल में फैल जाएगी। मैं हूँ तो डर किस बात का। ऐसे कहते हुए कालू कौवा सारे जंगल में तोते की शादी की बात फैला देता है। उनकी शादी की बात सुनकर पंछी ऐसे बात करने लगते हैं। तोते की शादी है, मुझे इस शादी में इतने सुंदर दिखना है कि मेरे सामने तो दुल्हन भी कम ही लगनी चाहिए। कुछ तो शर्म करो, एक डजन बच्चे हैं हमारे। वैसे भी मैं भी अपने लिए एक थ्री पीस सूट खरीदने वाला हूँ। ऐसे एक से बढ़कर एक कबूतर, कौवे और चिड़िया तोते की शादी की धूमधाम से तैयारियां करते, लेकिन कहीं ना कहीं कालू कौवा इस शादी से खुश नहीं था। वो हर काम अच्छे से ही तो कर रहा था, लेकिन अकेले में ऐसा सोच भी रहा था। इनके शादी में ऐसा क्या होता है जो सभी जंगल के पंछी त्योहार से भी ज्यादा खुश होते हैं? और हम कौवों की शादी में ऐसा क्या होता है सभी पंछी मतम मनाने वाले चेहरा बनाकर बैठ जाते हैं? कौवे की ये सोच उसे कुछ गलत करने के लिए अंदर से मजबूर करने लगती है। इसलिए कौवा सबके सामने अच्छा ही बनता है, लेकिन पीछे से काम बिगड़ता जाता है। मैंने यहीं पर तो रखा था हार, कहाँ चला गया यहाँ से? कालू मामा, क्या तुम्हें कहीं नजर आई वो हार? शादी के लिए बहुत जरूरी था। नहीं नहीं, तो मैंने नहीं देखा कोई हार। देखा होता तो आपको ही दे देता ना। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। जाकर थोड़ा सा आराम कर लो, थक गए होंगे। ठीक है कहकर कालू कौवा पहले फुर्सत में वहाँ से उड़ जाता है और चुराया हुआ हार अपने घर में छुपा लेता है। लेकिन कालू इससे भी उतना खुश नहीं था। वो कुछ ऐसा करना चाहता था जिसे करने के बाद तोते के परिवार को बेइज्जती सहनी पड़े। ये काम करता हूँ, सारे खाने में मिर्च और नमक भर देता हूँ और पंडित को भी गायब कर देता हूँ। जब शादी वक्त पर नहीं होगी और खाना भी अच्छा नहीं होगा, तब मुझे सुकून मिलेगा। ऐसे कहते हुए कालू कौवा शादी के दिन तक इंतजार करके खाना अच्छे से तैयार होने के बाद चुपके से जाकर चावल में नमक और करी में मिर्ची मिलाकर पंडित के पास जाता है। अरे पंडित जी, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? शादी तो शाम की तय हुई है, आपको किसी ने बताया नहीं? नहीं कालू कौवे, मुझे किसी ने नहीं बताया। तुम तोते परिवार के बहुत करीब हो, सच ही कह रहे होगे। मैं जाकर सो जाता हूँ, शाम को लौट कर आऊंगा। ऐसे कहकर पंडित वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा तोते के पास जाकर बैठ जाता है। वहाँ पर सभी लोग पंडित अब आएगा जब आएगा कहकर इंतजार कर रहे थे। बहुत ज्यादा देर होने पर लगता है पंडित जी किसी काम में व्यस्त है और उन्हें आने में वक्त लगेगा, तब तक हम खाना ही खा लेते हैं। ठीक है कहकर सब खाने के लिए जाते हैं। खाना खाने के बाद एक एक के मुंह पर स्वाद इतना खराब होता है कि लोग पानी पानी कहकर दौड़ने लगते हैं। तभी दुल्हन तोता आकर ऐसे कहती है, ऐसा क्यों किया कालू मामा? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? अब झूठ बोलने की कोशिश मत करना, मैंने आपको हार लेते हुए देखा है और अब सब खा रहे हैं, लेकिन आप नहीं।
सब परेशान है, लेकिन आपके चेहरे में खुशी नजर आ रही है। हाँ, मैं नहीं किया ये सब। तुम्हारी शादी त्योहार की तरह होती है और हमारे मतम की तरह। मुझे अच्छा नहीं लगता है अंदर से। कालू कव्वे की बात सुनकर सब एकदम से शांत हो जाते हैं और तोते की माँ बड़े शांत स्वभाव से कालू कव्वे को समझाती है कि उनकी शादियाँ साल के शुरुआत में होती है और कौओं की शादी बारिश में होती है, इसलिए सब अपने घरों में छुपे रहते हैं। तब जाकर कालू कव्वे को बात समझ में आती है और वो सब से माफी मांगकर दोबारा से और अच्छे से शादी करने के लिए पूरे मन से सारी तैयारियां करता है। बेकोपुर नाम के एक गांव में सुरीली नाम की एक गाय अपने पति और सौतेले बेटे पीलू के साथ रहती है। सुरीली को कभी अपने बच्चे नहीं हो सकते हैं, इसलिए वो अपने सौतेले बेटा का इतना अच्छा ख्याल रखती है कि देखने वालों को विश्वास ही नहीं होता है। अभी हम आए हैं कहकर बच्चे को ज्यादा लाड प्यार करने की जरूरत नहीं है। सुरीली, तुम अपना सौतेलापन दिखा सकती हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आप कैसी बातें कर रही हो? उम्र में बासी हो फिर भी नादान जैसी बातें कर रही हो। मैं अपने बच्चे के साथ हमेशा ऐसे ही रहती हूँ। क्यों बच्चे, तुम्हारी ये सौतेली माँ सच कह रही है या हमारे सामने महान बनने के लिए नाटक कर रही है? सच बता। आप लोग सच में बहुत अजीब हो। दोबारा माँ के साथ ऐसा बर्ताव करने का मन हो तो हमारे घर मत आना। यहाँ पर कोई भी ऐसे बातें नहीं करते हैं जैसे कि आप लोग कर रहे हो। पीलू की बातें सुनकर गुस्से में आपस में ही खुसुर फुसुर करते हुए वहाँ से चले जाते हैं वो दोनों गाय। ऐसे सुरीली और पीलू सगे माँ बेटे से भी ज्यादा अच्छे से रहने लगते हैं। क्या कर रहे हो? देखो मैं तुम्हें खाने के लिए क्या लेकर आया हूँ। मैंने जिंदगी में दूसरी बार अच्छा काम किया है तुमसे शादी करके। ऐसे सब अच्छे से रहने लगते हैं और वक्त गुजारता जाता है। सुरीली गाय और उसका पति बूढ़े हो जाते हैं और पीलू बैल शादी के लायक हो जाता है। तुम्हारे लिए पत्नी हमें ढूंढनी पड़ेगी या फिर तुमने खुद ही ढूंढ ली है बेटा? ये गाय तो है, लेकिन जब तक वो आपको पसंद ना आए तब तक वो आपकी बहू नहीं बन सकती है माँ। हाँ, तुम दोनों माँ बेटे ही फैसला करो बस। मैं तो यहाँ पर सिर्फ चाय पीने के लिए बैठा हूँ। बहू को घर लेकर आओ, देखते हैं समझदार है या तुम जैसा ही है। ऐसे पीलू अपने माँ बाप से उसकी होने वाली पत्नी तुमकी से मिलवाता है। तुमकी वैसे तो अपनी पहली मुलाकात में अच्छा बर्ताव करती है, इसलिए सुरीली और उसके पति को भी वो पसंद आती है और उनकी शादी भी हो जाती है। पीलू के पिता अपनी बहू को अच्छे से जान पाते, इससे पहले ही उनकी हार्ट अटैक की वजह से मौत हो जाती है। माँ, अब पिताजी नहीं रहे हैं, इसीलिए मुझे ज्यादा पैसे कमाने के लिए गांव के बाहर जाना होगा। आप और तुमकी एक दूसरे का ख्याल रखकर अच्छे से रहना। मैं ये बात उसे भी बता दी है। ऐसे कहकर पीलू अपने काम पर चला जाता है। उसके जाने के बाद तुमकी अपने तुमके दिखाना शुरू करती है। अपने कमरे से बाहर निकले बिना ही सुरीली से सारे काम करवाती है। पहले दिन तो सुरीली को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो सारे काम कर लेती है। लेकिन हर रोज ऐसा ही होने की वजह से सुरीली को बहुत ज्यादा थकान होती है और वो अपनी बहू को कमरे से बाहर निकलकर कुछ काम करने को कहती है। तब तुमकी गुस्से में अपनी सास से, ए बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ऐसी बात करने की? तुझे उस बूढ़े के मरने के बाद भी इस घर में इसलिए रहने दे रही हूँ क्योंकि तू यहाँ के काम कर सके। ये क्या बदतमीजी है,
मेरे बेटे को आने दो, उसी की सुनोगी तुम। ऐसे कहते हुए पीलू के आने के बाद सारी बात बताती है सुरीली गाय। लेकिन पीलू बैल अपनी माँ का यकीन तो नहीं करता है, लेकिन उल्टा उसे ये सब बातें भी कहता है। बस करो माँ, आज आपने अपना सौतेलीपन दिखा दिया है ना। मैं तुमकी को 3 साल से जानता हूँ, मुझे पता है वो कैसी है। दोबारा ऐसा लंचन मत लगाना मेरी पत्नी पर। ऐसे कहकर पीलू अपने काम पर चला जाता है। तुमकी सुरीली को खाना दिए बिना इतना थका देती है कि वो बीमार होकर अपनी जगह से हिल भी नहीं पाती है। लेकिन तुमकी को ये सब नाटक लगता है। लेकिन पीलू जब शाम को लौटकर आया है तब उसे ये नाटक नहीं लगता है और वो सुरीली को हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ पर डॉक्टर उसे खूब डांटते हैं, इतना सारा काम करवाने के लिए वो भी बिना खाना दिए। इसका मतलब माँ सच कह रही थी, अभी घर जाकर उसे मेरे घर से बाहर निकलकर फेंक देता हूँ। लेकिन मैंने अपनी इतनी अच्छी माँ के सामने कौन सा मुंह लेकर जाऊँ। मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि वो मेरी सौतेली माँ है। ऐसे कहते हुए पीलू बैल जैसे तैसे करके अपनी माँ का अच्छे से इलाज करवाने की कोशिश करता है और कुछ समय के लिए अपनी पत्नी को उसके घर भेज देता है।